Hello dear students, welcome back to our channel. So before beginning with our new chapter, I would like to remind you people that if you haven't subscribed to our channel yet, then please click on the subscribe button and do not forget to share it with your friends. Okay, let's begin with a new chapter. Okay, on special demands of my students, I have started with the chapter that is reproduction in lower and higher animals. हमने फर्स्ट चैप्टर में कवर किया था प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में. उसमें हमने दोनों मेथड्स देखे थे, असेक्सुअल मेथड्स भी और सेक्सुअल मेथड्स भी. तो अब हम उसी लाइन पे, उसी कॉन्टेक्स्ट पे आगे पढ़ने वाले हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. ओके, सो फर्स्ट लेट्स हैव अ लुक एट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. व्हाट डज द इंट्रोडक्शन सेज? द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंट्रोडक्शन सेज, reproduction is one of the major life process of any living organism. Very true. Because why reproduction is important? Because reproduction gives birth to another generation of the same family. जब reproduction होता है तो एक family के आपको multiple offsprings मिलते हैं. मतलब ऐसा अगर हम technique local हिंदी word में बोले, local हिंदी term में बोले, तो आपको आगे की पीढ़ी मिलती है. ओके, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. अगर वो चाहता है कि उसका स्पीशी या उसका फैमिली चलता रहे, तो उसको रिप्रोड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. व्हाट इज द सेकेंड पॉइंट से? द सेकेंड पॉइंट गिव्स अस द डेफिनेशन ऑफ द प्रोसेस. रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ फॉर्म्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सिमिलर लाइफ. ये डेफिनेशन समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या यूज किए हैं? दैट वॉट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन. यहाँ पर नया लाइफ बन रहा है. सो फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ फॉर्म्स. ये न्यू लाइफ कहाँ से आ रही है? पहले से जो सेल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हीं सेल्स से आ रही है. फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सिमिलर लाइफ. Giving you a simple example, humans reproduce and give birth to a human child. Dogs reproduce and give birth to puppies. Okay, cats reproduce and give birth to kittens. Plant reproduce to give seed. Okay, so this is a pattern of reproduction. So what is reproduction? It is the process of formation of new life from the pre-existing one. अचानक से आसमान से कुछ नहीं टपकता है. पहले से जो सेल होता है वही खुद को रिप्रोड्यूस करके नया लाइफ फॉर्म बनाता है. ओके, ऑफ द सेम स्पीशी. ओके, ऑफ द सेम स्पीशी. इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज. ये पॉइंट फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है. मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो एक स्पीशी बहुत टाइम तक सर्वाइव करती है. मतलब ह्यूमंस की पीढ़ी ईयर्स एंड ईयर्स तक चलती रहेगी क्योंकि उनका रिप्रोडक्शन होता रहेगा. अगर समझो कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे तो आपको उसके नेक्स्ट जनरेशन नहीं मिलेगी, तो वो स्पीशीज वहीं खत्म हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं एक्सटिंक्शन. ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज. नेक्स्ट पॉइंट, दस इट इज़ वाइटल प्रोसेस. वाइटल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर स्पीशीज सर्वाइवल इन टर्म्स ऑफ इट्स ऑफ स्प्रिंग्स. ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. ये नेक्स्ट पॉइंट में हमको क्या बताया गया है कि रिप्रोडक्शन होगा तो नई ऑफ स्प्रिंग मिलेगी. नई ऑफ स्प्रिंग मिलेगी तो इसका मतलब आपका जनरेशन चलता रहेगा. जैसे कि ह्यूमन मैनकाइंड जो है, वो मैनकाइंड जब तक रिप्रोड्यूस करेगा तब तक ह्यूमन स्पीशीज चलती रहेगी. ओके, तो स्पीशीज को अगर सर्वाइव करना है लंबे समय तक तो रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर? वी आर गोइंग टू लर्न वेरियस मेथड्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स. ओके, लाइक द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बोथ मेल एंड फीमेल. गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. How fertilization takes place, as in syngamy, fusion of male and female gamete to produce zygote. Then early embryology, as in development of zygote. Then parturation. Parturation means nourishing the embryo. जो zygote embryo बन गया, embryo से fetus बनेगा, फिर उस fetus को nourish करना, that is parturation.
and the reproductive health. Okay, what important steps or what important measures to be taken to keep a person healthy reproductively. Okay, that we will study in detail. All these topics will be covered in detail. And the last point of introduction says that the reproduction in animals are seen in two methods. There are two main methods in which animals can reproduce. First one is asexual and the second one is sexual. So first we will begin with asexual. आपके इस चैप्टर में जितना भी एसेक्सुअल का पार्ट दिया गया है दैट इज गैम्यूल फॉर्मेशन एंड बडिंग, ये हमने अर्लियर चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में ही हमने काफ़ी डिटेल में स्टडी किया था. तो जस्ट विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टर वी विल गो थ्रू इट वंस एंड वी विल क्विकली फिनिश दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट. ओके ओके, सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, लेट्स सी व्हाट डज इट्स इंट्रोडक्शन से. It is a common method among lower animals. Okay, it does not involve meiosis nor gamete formation and fusion. What important words are mentioned over here? That it does not involve meiosis, gamete formation or fusion. आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अब असेक्सुअल बोला है मतलब देर आर नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्सुअल गैमेट्स. सो सेक्सुअल गैमेट अगर इन्वॉल्व नहीं होंगे तो मियोसिस नहीं होगा, क्योंकि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि गैमेट बनने के लिए आपका जो मेगास्पोर मदर सेल होता है या माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है वो मियोसिस करके चार हेप्लॉइड सेल्स बनाता है. इनिशियली डिप्लॉइड होता है, मियोसिस करके हेप्लॉइड सेल्स बनाता है. अब यहाँ पर गैमेट्स की बात ही नहीं हो रही है तो मियोसिस नहीं होगा, मियोसिस नहीं होगा तो गैमेट ही नहीं बनेंगे, और गैमेट नहीं बनेंगे तो फ्यूजन कैसे होगा, क्योंकि दो अलग अलग गैमेट्स इन्वॉल्व ही नहीं है. ओके, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. द फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी इज बाय अ सिंगल पेरेंट ओनली. अगर आपको सिंपल एग्जाम्पल देकर याद दिलाऊं तो अमीबा, अमीबा में हमने क्या देखा था, बाइनरी फ्यूजन, मतलब एक ऑर्गेनिज्म खुद को स्प्रेड करके दो बना लेता है. पेरेंट सेल से आपको दो डॉटर सेल मिलती है और पेरेंट सेल गायब हो जाता है क्योंकि वो पेरेंट खुद को डिवाइड कर लेता है. तो यहाँ पर आपको जो ऑफस्प्रिंग मिल रहा है वो ऑफस्प्रिंग कैसे मिल रहा है, बाय सिंगल पेरेंट ओनली, देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर पेरेंट. ओके, एंड इट डज नॉट इन्वॉल्व बोथ द सेक्सेस. फीमेल सेक्स खुद अपने डॉटर सेल्स बना सकती है या मेल सेल खुद अपने आप को डिवाइड करके अपने डॉटर सेल्स बना सकता है. सो देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू डिफरेंट सेक्सेस, वन सिंगल पेरेंट इज इनाफ फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो इट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल मीन्स विदाउट बोथ सेक्सेस, विदाउट मेल एंड फीमेल, या तो मेल और फीमेल. ओके, द प्रोजेनी और डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल. क्या पॉइंट बोल रही हूँ मैं यहाँ पर, लेट मी जस्ट हाईलाइट इट. या द प्रोजेनी और डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, क्योंकि अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊँ, समझो ये आपका अमीबा था. ओके, ये अमीबा डिवाइड हो गया, दो सेल्स बन गए इससे. सो अब जितना डीएनए कंटेंट इसमें था उतना ही डीएनए कंटेंट इसमें भी है. तो जैसा जितना जेनेटिक कॉम्पोजिशन इसका था वही जेनेटिक कॉम्पोजिशन इसका भी होगा, और इसको हम बोलते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल. आइडेंटिकल और सिमिलर में क्या डिफरेंस है, आइडेंटिकल मीन्स 100% सेम और सिमिलर मीन्स 99% सेम. देर इज 1% डिफरेंस इन सिमिलैरिटी. ओके, सो द जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोजेनी हमको मिलती है वो प्रोजेनी कैसी होती है, दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, डिट्टो पेरेंट से मैच करता है उनका जेनेटिक कॉम्पोजिशन. They are genetically identical to the single parent and they are also referred as clones. ये जो हमको, ये हमारा parent है, ये parent से जो हमको daughter मिला है, okay, ये daughter cells मिले हैं, ये parent से same match कर रहे हैं, मतलब they are genetically identical, they are 100% similar, they are 100% identical to the parent, तो इसको हम बोलते हैं clone. Clone मतलब होता है ditto copy, okay? 0.001% का भी डिफरेंस नहीं होता है, दैट इज नोन एज क्लोन. ओके, यू आर गेटिंग एग्जैक्ट कॉपी ऑफ वॉट यू हैड टेकन अर्लियर. ओके, सो दैट इज नोन एज क्लोन. जस्ट लाइक यू टेक अ फोटो कॉपी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट तो आपको क्लोन मिलता है. कोई भी वर्ड गायब हो जाता है क्या, मतलब ओरिजिनल पेपर में से आप जब जेरोक्स लेते हो, फोटो कॉपी लेते हो, तो जितना वर्ड्स इसमें लिखा है वही वर्ड्स आपके फोटो कॉपी पर भी लिख कर आता है. फोटो कॉपी का एग्जाम्पल एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं है, बट समझने के लिए यू कैन कंसिडर इट कि वॉट आर क्लोन्स, वेन द जेनेटिक कॉम्पोजिशन इज सिमिलर, इट इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट, दैट इज नोन एज क्लोन. ओके,
The lower animals reproduce asexually by gamule formation and budding. यहाँ पर दो asexual reproduction बताए हैं animals में. Plants में हमने क्या क्या देखा था? Binary fission, fragmentation, budding, gamule formation, conidia formation, ऐसे बहुत सारे हमने देखे थे. Animals के लिए दो कौन से दिए गए हैं? Gamule formation and budding. Please ये दोनों words को underline करो. Entrance के लिए आपको MCQ में confuse करने के लिए ये आ सकता है कि asexual reproduction कैसे होता है lower animals में. Gamule formation and budding. Now let's see what is gamule formation. Okay. Let me just erase this first. So, gamule formation. Gamule is an internal bud formed only in sponges. जो sponges जैसे organism होते हैं उनमें gamule, मतलब एक जो internal bud होता है sponges के अंदर, जो spore जैसा structure form होता है, जो bud जैसा structure form होता है, that is known as gamule. Okay? It has, let me show you the image of gamule first and then we can proceed with the theory. Yes, see. This is the image of a gamule. Okay? We will discuss about it in detail. Let's finish with the introduction first. So it is an internal bud which is formed only in sponges. ये line आपको याद रखनी है कि ये gamule या जिसको हम bud बोलते हैं, छोटा सा cell, ये cell सिर्फ कौन से species में बनता है? Sponges में बनता है. Okay? Sponges which are usually aquatic animals. Alright? It has asexually produced mass or aggregation of dormant cells, the archaeocytes, capable of developing into a new organism. बहुत ज़्यादा बड़ा sentence है, वापिस से सुनो क्या बोला है. It has asexually produced. यहाँ पर asexual production हुआ है. Asexual production मतलब single parent ने ही खुद को divide कर लिया है. क्या बनाया है asexually? Mass और aggregation of cells. मतलब gamule ने asexual reproduction किया और ऐसे बहुत सारे सेल्स बनाए. एग्रीगेशन मतलब क्या होता है? कलेक्शन. ओके, टोटल ग्रुप ऑफ सेल्स. ओके, सो गेम्यूल क्या करता है? गेम्यूल एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके बहुत सारे डॉर्मेंट सेल्स बनाता है. क्या बनाता है? डॉर्मेंट सेल्स. डॉर्मेंट सेल्स का मतलब क्या होता है? दे आर नॉट एक्टिव ऑल द टाइम. वो एक पर्टिकुलर फेवरेबल कंडीशन में ही एक्टिव होंगे. ओके, सो गेम्यूल फॉर्म्स डॉर्मेंट सेल्स. गेम्यूल फॉर्म्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर नोन एज आर्कियोसाइट्स. इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? आर्कियोसाइट्स. आर्कियोसाइट्स का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसे सेल्स हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव करते हैं. क्या बोला मैंने? आर्कियो. आर्कियो मीन्स दे कैन सर्वाइव इन अ वेरी एक्सट्रीम कंडीशन. चाहे एक्सट्रीम टेम्परेचर हो, एकदम ज़्यादा हॉट या एकदम ज़्यादा कोल्ड, या एकदम लावा में सर्वाइव करने की बात आ जाए, सो दे कैन सर्वाइव इन एनी एक्सट्रीम कंडीशन. ओके, सो गेम्यूल क्या बनाता है? गेम्यूल मेक्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर नोन एज आर्कियोसाइट्स विच आर केपेबल ऑफ डेवलपिंग इन टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म. ये डॉर्मेंट सेल जब इसका डॉर्मेंसी खत्म हो जाएगा, मतलब जब इसका मैच्योर होने का टाइम आएगा, तो इसकी डॉर्मेंसी खत्म हो जाएगी और यही डॉर्मेंट सेल अपने आप को एक न्यू सेल में फॉर्म कर लेगा. ओके, ऑल राइट. द आर्कियोसाइट्स, एक बार देख लो आर्कियोसाइट्स कैसे दिखता है. सी, दीज आर योर आर्कियोसाइट्स. ये जो अंदर ये ब्लू कलर के डॉट 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 सेल्स है ना, ये ब्लू कलर के सेल्स, दीज आर योर आर्कियोसाइट्स. इतना, ये एक सिंगल गेम्यूल है. ये सिंगल गेम्यूल ने क्या बनाया? ग्रुप ऑफ आर्कियोसाइट्स बनाया. क्या बनाया? ग्रुप ऑफ आर्कियोसाइट्स. छोटे 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 बहुत सारे सेल्स बनाए. इसीलिए ऊपर बोला था एग्रीगेशन. ओके, ऑल राइट, आगे देखते हैं क्या दिया है. द आर्कियोसाइट्स गेट कोटेड बाय अ थिक रेजिस्टेंट लेयर ऑफ सेक्रीशन बाय अमीबोसाइट्स. क्या बोला है हमको यहाँ पर? कि ये आर्कियोसाइट्स को, यहाँ डायग्राम अगर आप देखो, ये अंदर की तरफ जो ब्लू कलर के, ये वाइट कलर के सेल्स हैं, ये आर्कियोसाइट्स हैं. इन आर्कियोसाइट्स को एक थिक लेयर से कवर किया जा रहा है. किससे कवर किया जा रहा है? थिक लेयर से. और वो थिक लेयर कौन बना रहा है? अमीबोसाइट्स. अमीबा के सेल्स गेम्यूल को हेल्प करते हैं उसको प्रोटेक्ट करके रखने के लिए, अंदर के सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए.
The gameule is formed to overcome unfavorable conditions. ये gameule क्यों बनाया जाता है? जब unfavorable condition होती है तो ये cells खुद को अपने मतलब ये जो आर्कियोसाइट्स होते हैं, ये आर्कियोसाइट्स खुद को अमीबा के लेयर के अंदर प्रोटेक्ट कर लेते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है. जब ये कंडीशन फेवरेबल हो जाती है तो वो बाहर की लेयर डिसअपियर हो जाती है या बाहर की लेयर यूज़ हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है, और फिर ये अंदर के जो डोरमेंट सेल्स हैं ये एटमोसफियर में आते हैं और डिवाइड होकर न्यू सेल्स बनाते हैं. ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशंस ऑफ वाटर एंड टेम्परेचर, मतलब जैसा कंडीशन चाहिए, जितना वाटर और जितना टेम्परेचर चाहिए, जब वो कंडीशन वापस आ जाती है, द गेम्यूल्स हैच, ये जो बाहर का लेयर है ये ब्रेक हो जाता है. ये गेम्यूल का जो लेयर है इट हैचेस, इट ब्रेक्स. हैच होना मतलब ब्रेक होना, जैसे अंडा हैच होके मुर्गी बाहर आती है. सो द गेम्यूल्स हैच व्हेन द फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न एंड दे डेवलप इन टू अ न्यू इंडिविजुअल. तो अगर शॉर्ट में आपको समझाया जाए तो गेम्यूल तब बनता है जब अनफेवरेबल कंडीशन हो. जब अनफेवरेबल कंडीशन खत्म हो जाएगी और फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी, फेवरेबल कंडीशन यानी ऑप्टिमम वाटर लेवल, ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो आपका गेम्यूल का आउटर लेयर ब्रेक हो जाएगा और अंदर से सारे सेल्स बाहर आके न्यू इंडिविजुअल बन जाएंगे. तो यहाँ पर कहीं पर भी मेल या फीमेल गैमेट का यूटिलाइजेशन हुआ क्या, इन्वॉल्वमेंट हुआ क्या? नहीं. दैट इज़ व्हाई इट कम्स अंडर कैटेगरी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सो दिस इज अबाउट ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. एग्जाम्पल क्या दिया गया है यहाँ पर? स्पॉन्जिला. द एग्जाम्पल विच इज मैंशनड इज स्पॉन्जिला. यू नीड टू मेमोराइज, आपको ये लर्न करने होंगे सारे एग्जाम्पल्स. लुक एट द डायग्राम वेरी केयरफुली. दीज आर दी आर्कियोसाइट्स और ये अमीबा की लेयर है. ये येल्लो वाली अमीबा की लेयर है. ये इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन. ओके, दिस इज द माइक्रोपाइल. यहाँ से जब आपका ये फेवरेबल कंडीशन होगा तो माइक्रोपाइल से सारे सेल्स हैच होंगे. मोनॉक्सन स्पिक्यूल्स, ये मोनॉक्सन स्पिक्यूल्स का काम होता है टाइम टू टाइम कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते रहना, क्योंकि ये सेल्स तो अंदर हैं, ये खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, तो सेल्स को जिंदा रखने के लिए, उनको वायबल रखने के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम होता है मोनॉक्सन स्पिक्यूल्स का. एंड यस, सो दिस इज अबाउट गेम्यूल फॉर्मेशन. लेट्स मूव अहेड क्विकली टू बडिंग. यू ऑल हैव बीन स्टडिंग दिस टॉपिक सिंस योर 10th स्टैंडर्ड. और NCERT के जो बच्चे हैं, CBSE के बच्चे, वो लोग 8th स्टैंडर्ड से ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, बडिंग बडिंग बडिंग. व्हाट इज बडिंग? इट इज़ अ सिंपल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉर्मली अकरिंग इन फेवरेबल कंडीशंस. बडिंग फेवरेबल कंडीशन में होता है और ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्या होता है बडिंग में? इट इज़ सीन इन अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स लाइक सीलेंट्रेट्स, हाइड्रा एंड कोरल्स, एंड इन सम कोलोनियल एस्किडियंस. एस्किडियंस लाइक फंगस लाइक स्पीशीज. इन हाइड्रा क्या होता है? हाइड्रा का अगर एग्जाम्पल देखें तो हाइड्रा में बडिंग कैसे होती है? इन हाइड्रा अ स्मॉल आउटग्रोथ, आउटग्रोथ एज इन एक्सटर्नल ग्रोथ. अगर आप डायग्राम देखो ध्यान से, जस्ट हैव अ लुक एट इट, लुक एट द डायग्राम केयरफुली. इन हाइड्रा अ स्मॉल आउटग्रोथ, यहाँ से देखो, ये छोटा सा बाहर की तरफ इसका जो विड्थ है, जो वर्टिकल मेम्ब्रेन है, लेटरल साइड है, वो बाहर की तरफ ग्रो हो रही है, एक्सटेंड हो रही है. द आउटग्रोथ इज फॉर्मिंग एज बड. अ स्मॉल आउटग्रोथ इज प्रोड्यूस्ड टुवर्ड्स द बेसल एंड ऑफ द बॉडी. दिस इज द बेसल एंड, बेस वाला पार्ट. ओके, एंड दिस इज द टर्मिनल एंड. ओके, सो व्हेन टुवर्ड्स द बेसल एंड अ बड इज फॉर्म्ड, दैट बड्स डेवलप्स, डेवलपिंग बड यू कैन सी. और यही डेवलप बड जब इसको सारे न्यूट्रिशंस मिलते जाएंगे तो इट विल फॉर्म टेंटैकल्स. जैसे यहाँ पर ये ऊपर टेंटैकल्स हैं, वैसे ही यहाँ पर भी टेंटैकल्स डेवलप हो जाएंगे. अब ये बर्ड डेवलप होके ऐसा दिखेगा आपको. ओके, दिस इज़ फुल्ली मैच्योर बर्ड. और जब ये मैच्योर बर्ड फुली डेवलप हो जाएगा तो अब इसको पेरेंट की ज़रूरत नहीं है, तो ये अपने पेरेंट से डिटैच होके ग्राउंड में सेटल हो जाएगा. ओके, सो दैट इज़ हाउ बडिंग लुक्स लाइक. सी द यंग हाइड्रा सेपरेट्स, और ये ज़मीन में जाके अपना सबस्ट्रैटम अटैच कर लेता है. ओके, सो दिस वॉज अबाउट बडिंग इन हाइड्रा. इट डेवलप्स एज अ बर्ड विच ग्रोज एंड फॉर्म्स टेंटैकल्स, जो मैंने ऊपर बताया, एंड डेवलप्स, फर्दर डेवलप्स, गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इन टू अ न्यू इंडिविजुअल. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बडिंग. मतलब पेरेंट में से बर्ड बनना स्टार्ट हुआ, वो बर्ड डेवलप हुआ, डेवलप होके मैच्योर हुआ, और मैच्योर होके अपने पेरेंट प्लांट से डिटैच हो गया. सो दिस इज बडिंग.
This process is called budding. In young hydra, the young hydra gets detached from the parent. हमने देखा ना लास्ट स्टेप में हमारा हाइड्रा डिटैच हो गया था. सो द यंग हाइड्रा गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट एंड बिकम्स एन इंडिपेंडेंट न्यू ऑर्गेनिज्म. ओके, वो अपना सबस्ट्रेटम बेस में सेटल कर लेता है और न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है. सो दैट इज व्हाट इज गिवन अबाउट बडिंग ओवर हियर. ओके, आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू. ओके, now this is one very important concept which has been introduced in your textbook about regeneration. You have learnt about this in your 11th standard as well as in your 10th standard. Let's have a look at it also. Okay, what do you mean by regeneration? Regeneration means generating again. Okay, cells when they again reproduce or when they again divide, that is known as regeneration. लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पर गैमेट्स का यूज नहीं होगा या मेल या फीमेल सेल्स नहीं आएंगे. सो ध्यान से देखना, व्हाट इज रीजनरेशन, अ वर्ड विच इन बायोलॉजी रिफर्स टू द प्रोसेस ऑब्जर्व्ड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया अप टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर फॉर्म्स, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स. ये रीजनरेशन वर्ड हर जगह यूज होता है, चाहे आप यूनिसेलुलर सेल्स की बात करें चाहे आप मल्टीसेलुलर सेल्स की बात करें. क्योंकि रीजनरेशन का मीनिंग क्या होता है, न्यू सेल्स. ओके, फॉर्मिंग न्यू सेल्स. डिटेल में देखते हैं व्हाट इज रीजनरेशन. बाय दिस प्रोसेस द ऑर्गेनिजम्स कैन फंडामेंटली रिपेयर और रीग्रो. सी, दीज टू वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, रीजनरेशन से क्या होगा, आपके जो सेल्स हैं जो डैमेज हो गए थे, जैसे कभी चोट लग जाती है तो स्किन का सेल डैमेज हो जाता है, खरोच आ जाती है, या प्लांट का अपर लेयर, बार्क का अपर लेयर स्क्रैच हो जाता है, तो जब वो सेल्स खुद को रिपेयर कर लेते हैं एक हफ्ते के बाद देखोगे आपकी चोट ठीक हो गई है, मतलब वहाँ के सेल्स रिपेयर हो गए हैं, या वहाँ पर जो सेल लॉस हुए थे वो रीग्रो हो गए हैं. तो इसका मतलब आपको वहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, रिपेयर मैकेनिज्म विच इज़ नथिंग बट रीजनरेशन. सो इन दिस द ऑर्गेनिजम्स कैन फंडामेंटली रिपेयर और रीग्रो और रीस्टोर इट्स लॉस्ट और डैमेज पार्ट. जो पार्ट डैमेज हो गया था वो पार्ट रिपेयर हो जाता है रीजनरेशन की मदद से. दो इट इन्वॉल्व्स एसेक्सुअल प्रोसेसेस, इट डिफर्स डिस्टिंक्टली फ्रॉम रिप्रोडक्शन. क्या बोला है यहाँ पर, इसमें ये एसेक्सुअल प्रोसेस है और इसमें गलती से भी रिप्रोडक्शन नहीं आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं आएगा. सी, लेट्स सी. फॉर एग्जाम्पल, अ डैमेज हाइड्रा कैन रीजनरेट इट्स लॉस्ट पार्ट. ओके, समझो हाइड्रा का, सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ हाइड्रा एंड दीज आर इट्स टेंटैकल्स. सपोज इसका एक टेंटैकल ब्रेक हो गया, ये वाला टेंटैकल डैमेज हो गया. So with the help of regeneration, it can draw a new tentacle. This is regeneration. Okay? What is this? This is regeneration. इसका मतलब ये नहीं, अगर समझो ये हाइड्रा यहाँ से ब्रेक हुआ है तो आपको नया हाइड्रा मिलेगा, ऐसा नहीं है. This is not reproduction. This is only regeneration. रीजनरेशन की भी खुद की एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है. अगर हम स्किन सेल को डैमेज कर रहे हैं तो स्किन सेल नहीं आ जाएगी, लेकिन अगर आप बोन ब्रेक कर दोगे और ऐसा इमेजिन करोगे कि आपको नई बोन आए, दैट इज टोटली इम्पॉसिबल, क्योंकि उसका अलग कंडीशन होता है. आर यू गेटिंग इट? सो रीजनरेशन इज लिमिटेड ओनली टू पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ सेल्स, यू कैन नॉट कंपेयर इट विथ रिप्रोडक्शन. ओके, सिमिलरली प्लेनेरिया इफ वुंडेड, प्लेनेरिया इज अनदर ऑर्गेनिज्म, अगर वो वुंडेड हो जाता है, जख्मी हो जाता है, इट्स सेल्स बिकम एक्टिव एंड रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट और ऑर्गन बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट. प्लेनेरिया एक बहुत ही छोटा सा ऑर्गेनिज्म है. ओके, ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक. अगर उस ऑर्गेनिज्म का कोई पर्टिकुलर ऑर्गन डैमेज हो गया है तो वहाँ पर वो ऑर्गन रिपेयर होके वापस से रिकरेंट हो सकता है. दे कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाई फ्रेगमेंटेशन. प्लेनेरिया हमको फ्रेगमेंटेशन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो करता है, ये हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है. ओके, सो इट इज टोटली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. ऑल्सो इट इज सीन इन प्लेनेरियंस दैट द एंटीरियर एंड, एंटीरियर मीन्स अपर, पोस्टीरियर मीन्स लोअर. सो क्या देखा जाता है यहाँ पर, कि द एंटीरियर एंड exerts a pull on the posterior end,
resulting in a constriction in the middle part and splitting into two pieces. Okay, let's make it more clear. Look at the diagram. This is your planaria. Okay, this is your planaria. आपका जो anterior end है, जो upper end है, anterior end, ये anterior end क्या करेगा? ये आपके posterior end पे pressure apply कर रहा है. मतलब सकिंग मैकेनिज्म जो होता है ना, ऊपर की तरफ किसी चीज को खींचना, सो प्लेनेरिया में वही होता है कि आपका एंटीरियर एंड जो है वो पोस्टीरियर एंड पे प्रेशर अप्लाई करके ऊपर की तरफ अपने आप अपने सारे सेल्स को खींचता है, जिसके वजह से प्रेशर कहाँ क्रिएट हो रहा है? बीच में क्रिएट हो रहा है. और बीच में प्रेशर क्रिएट होने के वजह से आपके सेल्स दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं और यहाँ पर आपका हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्योंकि यहाँ पर कौन सा मोड फॉलो हुआ? फ्रेगमेंटेशन. यहाँ पर फ्रेगमेंट्स बन गए, एक ही ऑर्गेनिज्म के दो पार्ट बन गए, सो दैट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन. ओके, सो इट इज सीन इन प्लेनेरियंस दैट द एंटीरियर एंड पुल्स exerts a pull on the posterior end, resulting in a constriction. Constriction मतलब सिकुड़ जाना. जब आपका anterior end खींच रहा है posterior end को, तो आपका middle end constrict हो रहा है, and that results in the splitting of planaria into two pieces. तो आपको planaria के दो pieces दिखाई देंगे. और फिर क्या होगा? Each piece grows into a new planaria. यहाँ पे दो pieces divide हुए और यही दो pieces आगे जाके दो separate individual बन गए. That is two clones of the original have been formed. Okay, इनका genetical genetic composition same होगा, इनका structure same होगा, इनकी species same होगी, everything will be identical. Okay, so this is about regeneration. Now let's start with sexual reproduction in animals. The introduction of sexual reproduction in animals. Okay, so let's begin with our next topic, that is sexual reproduction in animals. Okay, first let's go through its introduction. What does this introduction says? The first point of introduction gives us the definition of sexual reproduction in animals. What is it? Again, same. The process which involves the production of offspring by formation and fusion of gametes. These two words are very important over here. क्या बोला गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? कि कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें पहले गैमेट बने और फिर वो गैमेट्स फ्यूज हुए ताकि कोई नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो, दैट प्रोसेस इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड देन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग. ओके, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज एम्फीमिक्सिस. आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था एम्फीमिक्सिस क्या होता है, फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स. एम्फी मीन्स टू डिफरेंट एंड मिक्सिस मीन्स मैरिज. सो वेन टू डिफरेंट गैमेट्स फ्यूज टूगेदर टू गिव ऑफ स्प्रिंग और टू गिव जाइगोट, दैट इज नोन एज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और एम्फीमिक्सिस. ओके, द सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स शो टू मेन फेजेस. क्या बोला गया है यहाँ पर? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स दो मेन फेजेस दिखाते हैं. अंडरस्टैंड दिस टू फेजेस वेरी क्लियरली. द फर्स्ट फेज इज द जुविनाइल फेज एंड द सेकेंड फेज इज द रिप्रोडक्टिव फेज. वॉट डू वी अंडरस्टैंड बाई दिस वर्ड जुविनाइल? जुविनाइल मीन्स यंग और इमेच्योर. जुविनाइल वर्ड का मतलब क्या होता है? Young or immature. Okay, so the earlier juvenile phase, क्या होता है इस phase में? इस phase में physical growth is represented. Okay, like your body will grow in this phase. The juvenile phase represents physical growth phase starting from birth. मतलब birth से लेकर जब तक आपका puberty start ना हो जाए, okay, जब तक आप puberty hit ना करो तब तक आप जुविनाइल फेज में हो. जुविनाइल फेज में आपका बॉडी कंटिन्यूअसली ग्रो होते रहता है, चाहे वो हाइट की बात हो चाहे वो वेट की बात हो. एंड एनिमल्स आर अनएबल टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इन दिस फेज. ओके, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. दे आर अनएबल टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, मतलब यहाँ पर जर्म सेल्स का कोई रोल नहीं है अभी तक. अभी तक सिर्फ सोमैटिक सेल्स रिप्रोड्यूस हो रहे हैं. सोमैटिक सेल्स मतलब स्किन सेल्स, जैसे कहीं पर चोट लग जाने पर डैमेज हो जाता है तो वो सेल्स वापस आ जाते हैं और स्किन को रिपेयर कर देते हैं, तो वो सेल्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहे हैं. लेकिन यहाँ पर एनिमल्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए अब तक मैच्योर नहीं हुए हैं. कौन से फेज में? जुवेनाइल फेज में,
यंग या इमेच्योर भी बोला जाता है इस फेज को. द नेक्स्ट वन इज द रिप्रोडक्टिव फेज. अब वर्ड से ही पता चल रहा है कि अब हमारे एनिमल्स मैच्योर हो गए हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए सेक्शुअली. ओके, सो वॉट इज टेकिंग प्लेस इन दिस फेज, वॉट हैपन्स इन दिस फेज. This phase is attained usually after physical growth is almost over. आपने बहुत देखा होगा, मतलब अभी आप जिस स्टैंडर्ड में हो, यू पीपल आर इन 12th स्टैंडर्ड, तो मोस्टली आप लोग ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि आपका एडम्स एप्पल आ चुका है, लड़कों के गले में एडम्स एप्पल आ चुका है, लड़कियों के भी बहुत सारी बॉडी ग्रोथ हो रही है, ब्रेस्ट ग्रोथ हो रही है, और मतलब उनके बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रहा है, मतलब उनकी प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई है. तो अब इस फेज में जब आप रिप्रोडक्टिव फेज एंटर करते हो, जब आपका प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाता है, तो 99% आपकी बॉडी की फिजिकल ग्रोथ स्टॉप हो जाती है. ओके, 99%. कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिनमें फिजिकल ग्रोथ थोड़ी और देर तक दिखाई देती है. ओके, द रिप्रोडक्टिव फेज इन्वॉल्व्स ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ सेक्स ऑर्गन्स. इस फेज में क्या दिखाई देगा आपको, फिजिकल ग्रोथ स्टॉप हो गई है या ऑलमोस्ट स्टॉप हो गई है, लेकिन सेक्स ऑर्गन्स की ग्रोथ अब एक्चुअली स्टार्ट हुई है. द एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस सेक्शुअली इन दिस फेज. अर्लियर फेज में जब हमारे एनिमल्स इमेच्योर थे, तब वो सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करने के लायक नहीं थे, लेकिन जब वो एनिमल्स मेच्योर हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज में आ जाते हैं, देन दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस सेक्शुअल. ओके, बोथ द फेजेस वेरी देयर ड्यूरेशंस इन डिफरेंट एनिमल्स. क्या बताया गया है हमको यहाँ पर, कि जुविनाइल फेज और रिप्रोडक्टिव फेज का अपना अपना एक टाइम होता है, और ये अलग अलग एनिमल में अलग अलग पीरियड के लिए होते हैं. ओके, जैसे ह्यूमंस में 13-14 ईयर्स तक आपको जुविनाइल फेज देखने को मिलता है, लेकिन यही चीज एनिमल्स में 1 या 2 ईयर के लिए होती है. तो स्पीशीज टू स्पीशीज ये फेजेस अलग अलग टाइम के लिए होते हैं. ओके, आफ्टर अटेनिंग सेक्सुअल मेच्योरिटी, एक बार जब आपका एनिमल, मतलब जब कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी इंडिविजुअल मेच्योर हो जाता है, सेक्सुअली मेच्योर हो जाता है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन. व्हाट इज प्री फर्टिलाइजेशन, व्हाट हैपेंस इन दिस स्टेज, द गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. क्या होता है यहाँ पर, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर. मतलब एक बार ऑर्गेनिज्म मेच्योर हो गया, तो अब उस ऑर्गेनिज्म के गैमेट्स बनेंगे. ओके, इफ द ऑर्गेनिज्म इज मेल, देन मेल गैमेट्स विल प्रोड्यूस. जो भी सेक्स ऑर्गन है, अगर इंडिविजुअल के बॉडी में फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ऑर्गन की बात कर रही हूँ मैं, जो सेक्स ऑर्गन है वही गैमेट बनेगा. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज अटेनिंग सेक्सुअल मेच्योरिटी. अटेनिंग मीन्स अचीविंग सेक्सुअल मेच्योरिटी. देन द नेक्स्ट स्टेप इज प्री फर्टिलाइजेशन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. गैमेट्स बनकर तैयार हो गए, और सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से गैमेट्स अगर ट्रांसफर हो गए, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्टिलाइजेशन. जब कॉप्यूलेशन होता है, या सिमिलर वर्ड्स में बोलूं, जब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, रिप्रोडक्शन होता है, तो उस टाइम पे मेल के गैमेट्स फीमेल में ट्रांसफर हो जाते हैं. सो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस. ओके, जब फ्यूजन ऑफ गैमेट हो जाएगा, तो जाइगोट बनेगा, और जब जाइगोट बनेगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज. क्या बोलेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज. सो पहले प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेट बने, फर्टिलाइजेशन में गैमेट फ्यूज हुए, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमको जाइगोट मिला, विच इज नोन एज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस. ये था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन. अब हम देखते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या होता है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ ह्यूमन रिप्रोडक्शन. वी विल ओनली सी द इंट्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन दिस लेक्चर, एंड देन इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, सो व्हाट डज द इंट्रोडक्शन सेज ओवर हियर, दैट ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स. क्या बोला गया है हमको यहाँ पर, दैट ह्यूमंस आर व्हाट, हाउ डू दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, तो क्या क्या देखा जाएगा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. It will involve gametogenesis, that is formation of gametes. It will involve insemination. Insemination means introducing semen into female's body. Semen क्या होता है? Semen is nothing but male reproductive fluid.
एक ऐसा लिक्विड जिसमें स्पर्म होते हैं जो मेल की बॉडी में प्रोड्यूस होता है. वी विल स्टडी अबाउट दिस इन नेक्स्ट लेक्चर. सो व्हाट इवेंट्स आर गोइंग टू टेक प्लेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन. इंसेमिनेशन की वजह से जब सीमेन फीमेल बॉडी में जाएगा तो सीमेन के थ्रू स्पर्म्स जाएंगे. अब स्पर्म्स ओवरी तक पहुंचेंगे तो स्पर्म और ओवरी में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन. सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन. देन जाइगोट फॉर्मेशन, बिकॉज वी नो व्हेन मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर दे गिव जाइगोट. सो जाइगोट फॉर्मेशन. और जब जाइगोट डेवलप होगा या मैच्योर होगा तो हमें क्या मिलेगा? एम्ब्रियो. सो एम्ब्रियोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो. एंड जेस्टेशन एंड पार्चुरेशन. जेस्टेशन मीन्स कीपिंग द चाइल्ड इन द वोम फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. ओके, बच्चे को गर्भ में रखना, दैट इज जेस्टेशन. एंड पार्चुरेशन मीन्स डिलीवरिंग द चाइल्ड. ओके, प्रॉपर नरिशमेंट देकर उसको डिलीवर कर देना, दैट इज पार्चुरेशन. सो दीज आर द इवेंट्स विच टेक प्लेस इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन्स इन अ ह्यूमन बॉडी. फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मीन्स विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्स ऑर्गन, जो एक्चुअली मेन रोल प्ले करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बोथ मेल्स एंड फीमेल्स. लेट्स सी व्हाट इज बीन टोल्ड अबाउट द सेक्स ऑर्गन इन मेल्स. विच आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल्स? टेस्टिस. यहाँ पर मैंने जो लिखा है स्पेलिंग TESTES, इसका मतलब होता है प्लूरल फॉर्म. प्लूरल एज इन एक से ज़्यादा. ह्यूमन मेल में दो टेस्टिस होते हैं. टेस्टिस का सिंगुलर फॉर्म क्या है? दिस टेस्टिस. टेस्टिस एंड टेस्टिस. ओके, दिस इज द सिंगुलर फॉर्म, दिस इज द प्लूरल फॉर्म. यहाँ पर मैं दो टेस्टिस की बात कर रही हूँ, यहाँ पर मैं एक ही टेस्टिस की बात कर रही हूँ. ये दोनों का आपको नहीं तो लगेगा कि मैम ने स्पेलिंग मिस्टेक की है. ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है. दिस इज द सिंगुलर फॉर्म एंड दिस इज द प्लूरल फॉर्म. ओके, सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है? टेस्टिस. वो क्या बनाता है? स्पर्म और मेल गैमेट. सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल्स प्रोड्यूस स्पर्म एंड मेल गैमेट. एंड विच इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल? ओवरी. ओवरी इन फीमेल प्रोड्यूस वॉट? एग, सेल एंड फीमेल गैमेट. ओके, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, दिस इज ओनली द इंट्रोडक्टरी पार्ट. ऑर्गन्स अदर देन टेस्टिस एंड ओवरी. ओके, अगर टेस्टिस और ओवरी को छोड़ दिया जाए तो बाकी के बच्चे जो ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. ओके, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का क्या काम होता है? ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं बॉडी में. व्हाट आर दीज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हेल्प टू डिफ्रेंशिएट अ मेल एंड अ फीमेल बाय स्पेसिफिक एक्सटर्नल फीचर. आपके सामने अगर दो बॉडी रख दी जाए, ओके, फर्क कैसे पता चलेगा? अगर सेक्स ऑर्गन को ढक दिया गया है, सिर्फ बॉडी रखी गई है, तो बॉडी से कैसे पता चलेगा अपर पार्ट से कि ये मेल है कि फीमेल है? क्योंकि उसका बॉडी का स्ट्रक्चर, उसकी बॉडी का फीचर, फिजियोलॉजी डिफरेंट है. ओके, तो जब ह्यूमन की बॉडी की फिजियोलॉजी अलग अलग होती है, मेल की अलग और फीमेल की अलग, तो उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिक कैरेक्टर्स. सेक्सुअल इसलिए बिकॉज इट विल डिफरेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल. डायमॉर्फिक मीन्स टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर सीन, डिफरेंट इन मेल्स एंड डिफरेंट इन फीमेल्स. ओके, क्या होते हैं, मतलब कैसे पता चलेगा कि कौन सी बॉडी मेल है, कौन सी बॉडी फीमेल है? ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आपको देखने हैं. अगर मेल में बियर्ड है, प्रेजेंस ऑफ बियर्ड, मतलब दाढ़ी अगर है जो कि मैच्योरिटी के बाद आती है, प्रेजेंस ऑफ मुस्टैच, मूछों का प्रेजेंट होना, चेस्ट हेयर, हेयर इन द चेस्ट रीजन, मस्क्युलर बॉडी. यूजुअली मेल्स हैव मोर मस्क्युलर बॉडी देन फीमेल्स, दे आर फिजियोलॉजिकली स्ट्रांग. एडम्स एप्पल, लड़कों को जब मेच्योरिटी के बाद गले के यहाँ पर एडम्स एप्पल निकल जाता है, व्हेन योर लैरिंग्स गेट्स एनलार्ज्ड इन साइज, दैट इंडिकेट्स दैट दिस इज मेल्स बॉडी. क्योंकि ये सारे कैरेक्टर्स आपको फीमेल बॉडी में जनरली देखने को नहीं मिलेंगे. ओके, फीमेल बॉडी में जनरल कैरेक्टर्स क्या देखने को मिलेंगे? डेवलप्ड ब्रेस्ट, इंक्रीज इन योर ब्रेस्ट साइज, ब्रॉडर पेल्विस, जो कमर का रीजन होता है फीमेल्स में थोड़ा सा ब्रॉड होता है एज कम्पेयर टू मेल्स, एंड हाई पिच्ड वॉइस. ओके, फीमेल की जो वॉइस होती है उसका जो पिच होता है, पिच मतलब लेवल ऑफ वॉइस, वो थोड़ा सा हाई होता है, मतलब फीमेल्स की आवाज़ थोड़ी सी ऊंची होती है.
Alright, so these are the secondary sexual characters, and this was the introduction of human reproduction. Okay, I hope that the introduction of this chapter will be very much helpful to you in understanding the lectures that we are going to take ahead. ओके क्योंकि अगर आपको इंट्रोडक्शन ही नहीं समझेगा तो आपको आगे का कोई पार्ट नहीं समझेगा. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मेक श्योर दैट यू गो थ्रू दिस चैप्टर वेरी थरली, यू क्लियर ऑल योर डाउट्स, बिकॉज दिस चैप्टर होल्ड्स अ हेल लॉट ऑफ वेटेज इन योर एंट्रेंस एग्जाम, दैट इज सीईटी एंड नीट, एज वेल एज इन योर एचएससी बोर्ड एग्जाम्स. ओके, सो मेक श्योर दैट यू क्लियर ऑल योर डाउट्स. इवन आफ्टर गिविंग दिस सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन यू स्टिल हैव सम डाउट, यू कैन फील फ्री to ask your doubts in our comment section. We will be obliged to solve your doubts, okay? And if you liked our video, then as I said in the earlier section, like before starting the chapter, then do not forget to hit on the like button, comment your experience if you liked it, and share it with your friends as much as possible. And if you haven't subscribed yet, please subscribe to this channel. Thank you. See you soon.